लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की एकता का केंद्र बने बिहार में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच आरजेडी नेता और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने 4 अगस्त को लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। अब महागठबंधन जब से बना है, जब से इसका नींव रखा गया है, 24 और 25 के लिए नींव रखा गया, हमें तो क्लियर बोल रहे हैं, 24 और 25 में इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। आइए तो हम, आप जो लगातार हमसे सवाल कर रहे थे, हम भी आपको जवाब देते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप देखिए 24-25 में मेरा भविष्यवाणी है, अमित शाह जी और मोदी जी, मेरा ये भविष्यवाणी है कि 24-25 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू जी ने भी कहा भविष्यवाणी में भागना पड़ेगा। अरे भविष्यवाणी मैं कर दिया, मैं पूजा करता हूँ, हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं है। वहीं बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। जनता छोड़ेगी नहीं, जनता सबक सिखाएगी 2024 में, और आपका चाहे जितना कुटिल चाल चल लीजिए भाजपा वाले लोग, आपका सब जितने खोखले वादे, खोखले घोषणा, सब चीज सब जनता नोट करके रखी हुई है। इस बार कुछ होने को नहीं, एकदम परिवर्तन होना ही होना है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरजेडी और जेडीयू के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि विपक्ष महागठबंधन में अब उनकी पूछ खत्म हो गई है। जो महागठबंधन, जो पार्टियां जो बैठक कर रही है पटना में, उन्हीं ने बैठक बुलाया, अब जब बैठक बेंगलुरु पहुंचा तो उनकी पूछ खत्म हो गई। अब लगता है कि मुंबई में बैठक होते होते नीतीश कुमार जी की उस गठबंधन से विदाई भी हो जाएगी। अब महागठबंधन में उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे। इस सबके बीच बिहार में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक पहुंचने के लिए भाईचारा यात्रा शुरू की है, जिसका नारा है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश के साथ आएं और इंडिया को मजबूत बनाएं। जेडीयू की इस यात्रा को कार्रवाई इत्तेहाद भी कहा जा रहा है। वहीं जेडीयू की भाईचारा यात्रा पर एमआईएम ने निशाना साधा है। पार्टी के विधायक अख्तर उल ईमान ने कहा कि ये भाईचारा यात्रा नहीं बल्कि मुसलमानों को चारा बनाने की यात्रा है। परेश के बंधुओं से मैं कहूंगा, आप गलतफहमी में मत रहिए, ये भाईचारा यात्रा है, ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने वाला यात्रा है, ये लाचार मुसलमानों को चारा बनाने का यात्रा है, ये भाईचारा यात्रा नहीं है। भाईचारा यात्रा निकालेंगे जदयू के लोग, बीजेपी को जिसने स्थापित किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, एनआरसी का जिसने समर्थन किया वो भाईचारा यात्रा निकालेंगे, सनोबर को जिसने इंसाफ नहीं दिया भाईचारा का यात्रा निकालेंगे। मुसलमानों की बड़ी आबादी बस्ती है सीमांचल में, जहां गरीबी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, सैलाब से लोग तबाह हाल हैं, सड़कें टूटी हुई है, पुल लटका हुआ है, उर्दू की जिसने बहाली नहीं की, वो लोग भाईचारा यात्रा निकालेंगे, ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। अख्तर उल ईमान ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसने बीजेपी और एनआरसी का समर्थन किया, कभी मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया, वो आज भाईचारा यात्रा निकाल रहे हैं।